कुछ कह दिया। अच्छा लगा जानकर। बहुत ज़्यादा नहीं लिखती मैं, बस हाल ही में स्टार्ट किया है, एक नौसिखिया राइटर कह सकते हैं आप मुझे। मैं एक डिबेटर हूँ, कहानियाँ लिखना तो मैंने अब स्टार्ट किया। पोइट्री लिखती थी लेकिन मतलब कभी प्रेजेंट नहीं किया था, क्योंकि हमारी डिबेटिंग जो प्रिंसिपल थे वो कहते थे कि जब आप डिबेट करते हैं ना, वहाँ आपके तर्क वितर्क में कहीं भी कोई शायराना अंदाज नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ आपके तर्क और वितर्क जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं अपनी इम्पोर्टेंस खो देते हैं। अब स्टार्ट करती हूँ मैं। प्रियंका, घर वालों से जितने भी तमगे मिले उसमें सबसे खास रहा ज़िद्दी होना। पर कहते हैं ना, एक डरपोक के लिए ज़िद्दी बने रहना बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेत पर दूब उगाना। मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही था। बचपन की जो ज़िद्द थी वो अब न जाने कहाँ खो गई थी। बचपन में जहाँ चॉकलेट टॉफ़ी के लिए ज़िद्द करती थी, वहीं पे धीरे धीरे बड़े होते वो ज़िद्द अपने आप बदल गई थी, समय और परिस्थितियों को समझने लगी थी। अब तो सिर्फ एक ही ज़िद्द बची थी और वो थी खुद के सपनों को खुद अपने आप पूरा करने की ज़िद्द, अपनी ज़रूरतें खुद पूरा करने की ज़िद्द, खुद से किए वादे को पूरा करने की ज़िद्द। उस दिन अपना MA का एंट्रेंस देकर ही घर आ रही थी। काफ़ी धूप थी, बिल्कुल जेठ की जैसे दोपहरी होती है ना, बिल्कुल वैसी। काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मैं। घर में जब पहुंची, बरामदे में देखा पापा मम्मी बात कर रहे थे, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि गर्मी बहुत थी, हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, इसलिए सीधा कमरे में जाके हाथ मुँह धोकर सो गई। जब शाम को उठी तो मम्मी से पूछा कि क्या हुआ मम्मी, इतनी मतलब आप दोनों किसकी बातें कर रहे थे, काफ़ी मतलब धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, बेटे तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। मैं हैरान और गुस्से से बिल्कुल लाल, क्या बकवास है ये, मैं और शादी, मेरी उम्र ही क्या है, मैंने तो बस अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है। उन्होंने कहा, मुझसे मत कहो, अपने पापा से जाकर बोलो। मैं मम्मी की ओर देखने लगी क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पापा से जाकर बोलूं, क्योंकि उनके फैसलों का विरोध करना मुझे नहीं आता था। भले ही कितने ही तर्क वितर्क मैंने किए हों अपने जीवन में, भले ही अपनी बातों से किसी और की हाँ में हाँ मिलवाना जानती थी मैं, लेकिन पापा के सामने मेरी हिम्मत नहीं थी। मुझे पता था कि पापा के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, इसीलिए मम्मी से ही लड़ने लगी। उसके बाद जब थोड़ी देर वहां शांत बैठी रही, फिर मैंने मम्मी की आंखों में देखा, क्या ये वही औरत है जो एक बड़े घराने से ब्याह कर आई थी, जिसने अपने आप को इतने बेहतर तरीके से ढाला कि पापा के रहन सहन को पूरी तरह अपने अंदर समा चुकी थी, और उनकी ही जिद, उनका ही जो रहने का तरीका, उनकी ही परवरिश मुझ में पूरी तरह बस चुकी थी। मम्मी मुझे बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन उस दिन उनकी आंखें मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही थी, बहुत ज़्यादा उदास थी वो खुद भी। उनकी बातों से पता चला कि मेरी शादी हमारे एक अंकल थे जो अक्सर हमारे घर आया करते थे, पापा के जिगरी दोस्त जो अब नहीं रहे, उनके बेटे प्रीतम से। और साथ ही ये भी पता चला कि प्रीतम भी जबरदस्ती शादी कर रहा है, वो भी शादी के लिए तैयार नहीं था। मैंने काफ़ी तर्क वितर्क किए लेकिन कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा, अपने पापा से जाकर बात करो। मुझे पता था कि पापा के पास जाऊंगी तो कोई फायदा नहीं है। मैं जाकर कमरे में बैठ गई। नींद तो उस रात मुझे आने वाली नहीं थी, क्योंकि नींद ना बिल्कुल उस डरपोक चिड़िया जैसी होती है जो जरा सी आवाज पे फुर हो जाती है, उड़ जाती है। नहीं आई मुझे नींद। बस तो मैं मेरा जो नेचर था, मेरा स्वभाव था, वो बिल्कुल साधारण था। बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं थी मेरी। बचपन से मेरी परवरिश भी बिल्कुल वैसे ही साधारण तरीके से हुई थी। ऐसा नहीं था कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी थी, लेकिन मेरी ख्वाहिशें बड़ी छोटी छोटी थी। मेरी ख्वाहिशें कुछ ऐसी थी जैसे जेठ की दोपहर में किसी थके पथिक को नीम की छाँव मिल जाए और हैंडपम्प का ठंडा पानी
वो भी उसके लिए काफी था। और मेरे जैसा थका पति को तो हाथ में भेलपुरी मिल जाए तो बात ही अलग थी। बस इतनी छोटी छोटी ख्वाहिशें थी और इतनों पे मैं खुश हो जाती थी। उस रात बस बहुत कुछ सोचा, शायद हिम्मत जुटा रही थी अपने वजूद को बचाने के लिए, शायद बचपन की उस जिद को वापस जिंदा करने के लिए। अगली सुबह बहुत हिम्मत करके पापा की चाय मैं खुद लेकर गई। मैंने पापा से कहा, पापा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत प्यार से बोला, आओ बिटिया बैठो। मैंने बोला, हाँ पापा। पापा, आप हमारी शादी इलाहाबाद में कर रहे हैं ना? उन्होंने कहा, हाँ। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो मेरे सपनों को जानते हैं ना, मैंने हमेशा आपसे हर चीज शेयर की है। आपको पता है ना, मैं आपका गरूर बनना चाहती हूँ, मैं आपका स्वाभिमान बनना चाहती हूँ, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। नहीं चाहती मैं मेरे पति के सामने कल को मुझे हाथ फैलाकर जेब खर्च मांगना पड़े। वो सिर्फ मुझे देख रहे थे, कुछ नहीं बोले, मानो समझाना चाहते हैं अपना गुस्सा साइड रखकर कि बेटिया तुम बहुत खुश रहोगी, बहुत छोटा परिवार है, सिर्फ एक माँ है और पिता बस। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम अपने सपनों को उस घर में भी पूरा कर सकती हो, क्योंकि वो घर बिल्कुल तुम्हारे इस घर जैसा ही होगा। लेकिन मैं मानने वाली नहीं थी। मैंने काफी तर्क वितर्क किया, एक लंबा समय बिताया मैंने, मतलब पापा जब तक ऑफिस नहीं चले गए तब तक उनसे बहस करती रही, लेकिन वो नहीं माने, वो अपनी जिद पर अड़े रहे, आखिर थे भी तो मेरे पापा ना। उस दिन मैं पापा के फैसले का विरोध नहीं कर पाई, मैं हार गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पापा के सामने, पापा के फैसले के सामने। मैं खुद से किए वादे को नहीं हारने देना चाहती थी और नहीं हारने दिया मैंने, वो अभी जिंदा था। मुझे पता था कि पापा का फैसला कुछ भी हो, लेकिन मेरी जो हिम्मत है, मैंने जो खुद से वादा किया है, वो तो मैं निभा के रहूंगी, वो तो मैं पूरा करके रहूंगी। उस सुबह मेरी शाही भले गूंगी हो चुकी थी, लेकिन मेरी कलम की जो वाचालता थी उसे मैं बनाए रखना चाहती थी। मेरी शादी हो गई और आज मेरी शादी को पूरे 8 साल हो चुके हैं। आज मैं एक कलेक्टर हूं और इस सपने को पूरा करने में सबसे बड़ा हाथ पता है किसका है? प्रीतम का, जो खुद भी शादी नहीं करना चाहता था। हम दोनों की इतनी उम्र नहीं थी कि हम इस अहम फैसलों के बड़े के उसका विरोध कर पाए, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के सपनों को पूरा करें। मैं कलेक्टर थी और प्रीतम एक डेयरी फार्म बहुत ही बेहतर तरीके से संभाल रहे थे। अंत में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी और यही बोलना चाहूंगी कि होता है, कई बार होता है, जब हमारे फैसलों के विरुद्ध हमारे बड़े हमारे लिए फैसले ले लेते हैं और हमें उसे मानना पड़ता है, लेकिन हमें हारना नहीं चाहिए। एक औरत भली हो सकता है उसने अपने घर में अपने सपने पूरे ना किए हों, लेकिन कई ऐसी औरतें हैं जो अपने ससुराल जाकर भी अपने सपने पूरे करती है, वहां भी उनको कोई अपना मिल जाता है। अंत में कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। तुम सवाल लड़की से करते हो, जवाब औरत देती है, मेरी फेवरेट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तुम सवाल लड़की से करते हो, जवाब औरत देती है। लड़की के पास जिद थी, औरत के पास जद है। लड़की के पास जिद थी, औरत के पास जद है। लड़की हंसती बोलती ज्यादा थी, औरत मुस्कुराती है बंद होठों से। लड़की के पास सवाल थे, कलम थी, औरत के पास कागज है, स्याही है। लड़की हल्की थी वजन के हर तराजू पर, औरत भारी है बिना तौले ही। तुम सवाल बचाए रखना, लड़की बचाए रखेगी औरत। थैंक्स।